हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास एक बार फिर से आप सभी के सामने लेकर आया हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना न भूलें, जहाँ पर हर प्रकार के PDF फाइल, लिंक वगैरह सभी दोस्तों शेयर किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा जो ना केरल, केरल के अंदर ये जो है खोला गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव का जो है ना 103 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, ये किस से संबंधित है? तो नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर रहेगा सांख्यिकी विद से ये संबंधित थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अब तक का कौन सा देश बन गया है? तो राइट आंसर इसमें रहेगा दोस्तों, चौथा देश भारत जो है बन गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ने अपने किसे अपने नए नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को इन्होंने नया आइकन अपना बनाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन व्यक्ति राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? राइट आंसर रहेगा दोस्तों, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, भारत पहला देश ये बना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में श्वेता श्रीनिवासन किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? चार ऑप्शन में से राइट आंसर दोस्तों आपका है थाईलैंड। थाईलैंड जिसे सफ़ेद हाथियों की भूमि या सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, इसके ये प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 20 अगस्त को पूरे भारत में सद्भावना दिवस किन की स्मृति में मनाया जाता है? जो सद्भावना दिवस है दोस्तों, किन की स्मृति में, किन की याद में मनाया जाता है? राइट आंसर रहेगा राजीव गांधी की याद में ये मनाया जाता है 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर इन ऑप्शन में से रहेगा, रतन टाटा को ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 अगस्त दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा। उसके बाद आगे क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका हो चुका है, एक सेकंड रुकिएगा, ये आपके हो चुके हैं 405 तक, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, बस एक सेकंड रुकिएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन का जो सिलसिला दोस्तों, उसमें देखिएगा, हाल ही में सितंबर के पहले सप्ताह में आदित्य L1 मिशन जो लॉन्च किया जाएगा, जो कि सूर्य का अध्ययन करेगा, ये क्लास मैंने कल भी बनाई थी। उसके बाद आगे है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 5वीं से 8वीं कक्षा के वार्षिक छात्रों को वार्षिक परीक्षा के बाद प्रमोट किए जाने की नीति में बदलाव कर दिया है। नो डिटेंशन पॉलिसी जो है वो समाप्त कर दी गई है। अगला है, हाल ही में भारतीय महिलाओं ने विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2023 के फ्री पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता। अगला G20 से रिलेटेड है, हाल ही में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक जो है वाराणसी में संपन्न हुई है। अगला है, हाल ही में ताइवान की राजधानी ताइवान जो है दोस्तों, उसकी राजधानी है चीनी ताइपे बोल सकते हैं इसको, लेकिन ताइपे ध्यान रखिएगा है, इसमें पहला हिंदू मंदिर बनकर जो है वो तैयार हुआ है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की, यह भी कल बताया था। हाल ही में मशहूर संगीतकार देव कोहली का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, संगीतकार थे देव कोहली। हाल ही में जर्मनी देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी के लिए जो एक नया उपकरण विकसित किया था कि निशानेबाजी वे सीख के कर सके। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने सड़क सीमा संगठन BRO ने हिमाचल प्रदेश राज्य के अंजा जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है। अगला है, हाल ही में नासा ने क्रू-7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया, क्रू-7 को। उसके बाद आगे है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना नया फैशन स्टोर यूस्टा लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में चीन और भूटान देश ने
परी सीमन विषय पर पहली बैठक यानी इलेक्शन से रिलेटेड जो कमीशन आयोग है जो दोबारा से जो गठित करना है वोट वगैरह को अपनी जो है ना जन उसको तो जनसंख्या क्षेत्र को जहाँ पर इलेक्शन से रिलेटेड ये रहेगा। उसके बाद हाल ही में असम राज्य सरकार ने कैबिनेट ने 4 नए ज़िले बनाने का फैसला किया, तो असम राज्य की जो सरकार है उसमें जो ना असम में 4 और नए ज़िले बनाने की जो ना भी घोषणा एक तरीके से फैसला किया है। हाल ही में राकेटरी फिल्म को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। हाल ही में अमृत माथुर ने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी। तो ये एक दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता क्वेश्चन आगामी एग्जाम में। अमृत माथुर की आत्मकथा है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, तो ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में सुचिन बजाज को प्रतिष्ठित 14वें सोशल एंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला है, हाल ही में तेलुगु स्टार अल्लू अर्जुन को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है, हाल ही में पूर्व जो है ना WWE चैंपियन ब्रे वायट का 36 वर्ष की आयु में दोस्तों इनका हार्ट फेलियर दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई है। हाल ही में रूस का मिमिन विश्वविद्यालय भारत के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय यानी CCSU यानी चौधरी चरण सिंह कृषि विद्यालय जो है हिसार में इसमें अपना रशियन भाषा केंद्र स्थापित करेगा। हाल ही में इजराइल देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि जो है करेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। जय जय भारत, हरियाणा।